नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज बसंत है, बसंत पंचमी है और सबको बहुत बहुत बधाई। फॉर्मली आज के बाद से कहते हैं कि आई बसंत पाला उड़ंत, के जो सर्दी है इसके बाद कम हो जाती है। और आज पंजाब के कुछ शहर हैं, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, अबोहर, ये जो बेल्ट है जलालाबाद, फाजिलका, यहाँ पे बसंत पंचमी को हर घर की छत के ऊपर पतंग उड़ाए जाते हैं। एक सारा दिन गाने चलते हैं, खाना पीना चलता है, इकट्ठे होके लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ चंडीगढ़ के आसपास तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन पंजाब के इन शहरों में बहुत ही फेमस त्यौहार है बसंत पंचमी। तो हर छत के ऊपर आपको 50-60 जो पतंग हैं वो मिल जाएंगे। हर छत के ऊपर बच्चे बूढ़े सारे, लड़कियां लड़के सब पतंग उड़ाते हैं। तो बहुत अच्छा त्यौहार है, और क्योंकि हवा इस मौसम में बढ़िया चल रही होती है तो पतंग उड़ाने का मज़ा भी आता है। और जब कटती है पतंग, पेचे पैंदे आते, फिर कहते हैं गुड्डी बो होगी, तो वो गुड्डी बो जब पतंग कटते हैं तब कहते हैं। तो जो उस इलाके के उनको जल्दी समझ आ जाएगा। फिलहाल ये सेक्टर 124 है और यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं, और भी नई बन रही हैं। और ये पीछे नई कोठियाँ बन चुकी हैं, यहाँ पे बिजली के जो मीटर हैं इनके अंदर लग चुके हैं, और ये बक्से भी हैं जो नई लगे हैं, उनके लिए बक्से पड़े हुए हैं। ये जो कोठी बनी है इसके साथ में, ये जो प्लॉट खाली पड़ा है, इसके पीछे वाला जो प्लॉट है, इस तरफ नॉर्थ फेसिंग है ये प्लॉट, ये वाला प्लॉट जो है 30 फिट की नीचे रोड है और फर्म है आगे, पानी की सप्लाई सीवरेज यहाँ चालू है। और ये इस तरफ कैम्प ऊपर करके देखते हैं, खंबे बिजली के भी यहाँ पे लगे हुए हैं। 124 का ही पार्ट है ये। ये सारी गली आगे से राइट मोड़ोगे तो मेन आपको 100 फिट, 200 फिट रोड पे ले जाएगी, वहाँ से सामने से राइट, और फिर आगे आपको 200 फिट एयरपोर्ट रोड मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से कनेक्टिविटी ये बेटर है, क्योंकि चंडीगढ़ से जब हम आएंगे तो VR पंजाब को क्रॉस करने के बाद हम गोपाल स्वीट आएगा, वहाँ से राइट मोड़ेंगे तो इस रोड पे आ जाएंगे। तो इस ये 124 है, इसके ये जो घर हैं इनसे दो गलियाँ छोड़ के 123 शुरू हो जाता है, और वहाँ का जो रेट है वो 40,000 रुपये गज है, यहाँ का जो रेट है वो 35,000 रुपये गज है। 5,000 रुपये गज का फर्क पड़ गया दो गलियाँ इधर आने से ही। अब 125 गज का प्लॉट है, तो 125 गज के प्लॉट के अंदर आपको 7.5 लाख के आसपास का फर्क पड़ गया सिर्फ दो चार गलियां इधर आने में। तो ये वाली गलियां भी वैसे ही डेवलप हो जाएंगी जैसे कि वो वाली गलियां डेवलप हुई हैं, क्योंकि शानदार कोठियां बन चुकी हैं, बन रही हैं, और 1.5 साल के अंदर यहाँ सब कुछ भर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब अगर कोई बंदा यहाँ नहीं पसंद करेगा तो फिर इस तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं, आगे सेक्टर 124 का वो वाला एरिया है, और उसके भी आगे यानी कि इस लोकेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे तक, 2 किलोमीटर आगे तक घर बसे हुए हैं, बने हुए हैं। और वहां पे जो आज का प्राइस है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वहां का जो प्राइस हो चुका है आज का, वो 30,000 रुपये गज हो चुका है। तो 2 किलोमीटर आगे 30 है, यहाँ 35 है, और 1 किलोमीटर इस तरफ जाके आपको 45 का रेट मिल जाएगा। तो 200 फिट जो एयरपोर्ट रोड है उसके 1 किलोमीटर के अंदर रेट 45 का है, 2 किलोमीटर के रेट के अंदर 35 का है, 3 किलोमीटर के बाद रेट 30 का है। तो ये लास्ट प्राइस आ गया, इससे नीचे नहीं है। फिर उसके बाद इलीगल एरिया आते हैं, वहाँ पे कोई लेना चाहता नहीं है और हम रिकमेंड भी नहीं करते हैं। तो जो अच्छे एरिए हैं जहाँ पे आप लीगली प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं निश्चिंत होकर, वो आज की डेट में 30,000 पर गज का रेट मिनिमम खरड़ का हो चुका है, जहाँ मर्जी चले जाएं ये रेट है। अब जो इससे सस्ते रेट हैं वो मेन सड़कों से तकरीबन 6, 7, 8 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, और रेलवे लाइनें क्रॉस करनी पड़ सकती हैं, अंडर ब्रिज क्रॉस करने पड़ सकते हैं, और वो एरिया जो है वो स्पेसिफिक, किसी ने, एक मैम आए थे कि जी हमें हाई जेंट्री में रहना है, ये रहना है, वो लेना है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो, अमीर लोग रहते हों, तो वो उन जो ऐसा फील करते हैं उनके लिए वो एरियाज नहीं है। वहाँ तो लोअर मिडिल क्लास के लोग जिनकी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, वो थोड़ा आगे जा सकते हैं, पैसे नहीं बढ़ा सकते, तो वो लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन वो कोई बुरे लोग नहीं है। तो ये कैटेगरी है इंसानों ने बनाई है, तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है।
हम अमीर गरीब में विश्वास नहीं रखते हैं, जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म में किसी का कोई बड़ा धर्म है छोटा धर्म है ऐसा हमारा कोई मानना नहीं है। सारे एक पिता एक कस के हम बारे का, एक ही पिता है पूरी सृष्टि का चलाने वाला और हम सब उसके बच्चे हैं। बस ये फॉर्मूला गुरुओं ने समझाया और ये जो समझता है वो सुखी रहता है। तो प्लॉट जो है 35,000 रुपये गज, 126 गज का प्लॉट है, फिर दोबारा से दिखा दें जो ये वाला फाउंडेशन हो रखी है, इसके बिल्कुल पीछे वाला नॉर्थ फेसिंग है और 22 बाय 50, 23 बाय 50 इसका साइज है, 23 फिट फ्रंट है और 50 फिट इसकी डीप है। तो अगर आप इस बजट के अंदर प्लॉट ढूंढ रहे थे तो ये बहुत सूटेबल है। इसके अंदर दो प्लॉट थे, एक की ऑलरेडी डील हो चुकी है और इसी महीने उसकी रजिस्ट्री भी होने वाली है, वो भी हमने ही सेल किया है, और दूसरा ये बचा हुआ है, तो हो सकता है ये आपके लिए वेट हो। और नंबर स्क्रीन पर चल ही रहा है, कॉल आप कर ही लेंगे, आप आएंगे भी हमें यकीन है, और हमें आप सेवा का एक और मौका जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।